बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा बस्तर लोकसभा केंद्रीय चुनाव कार्यालय का किरण देव व केदार कश्यप ने किया उद्घाटन। पूर्व निगम सभापति योगेंद्र पांडे को मिली जान से मारने की धमकी। सड़क निर्माण में लगे वाहन को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। कॉलेजों में वार्षिक परीक्षा 5 मार्च से होगी शुरू। 53,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं होंगे शामिल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी बस्तर लोकसभा केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। बस्तर लोकसभा केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, महेश गागरा, बस्तर लोकसभा प्रभारी महेश जैन, विनायक गोयल, चैतराम अटामी, श्रीनिवास राव मद्दी आदि मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के उद्घाटन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि बस्तर लोकसभा सहित छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों में भाजपा की जीत का परचम लहराना है और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार स्थापित करनी है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता आज व अभी से चुनाव समर में कार्य करने जुट जाए। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा की विजय का संकल्प प्रत्येक कार्यकर्ता ने लिया है। विधायक लता उसेंडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शंखनाद कर दिया है। पूरी शक्ति व एकजुटता के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़नी है। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री वेद प्रकाश पांडे ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी लोकसभा के चुनावों को दृष्टि से, जो कि बहुत निकट भविष्य में है और उसकी तैयारी के लिए जुट गई है, हमारे सभी लोकसभा क्षेत्रों में और चुनाव के कार्यालय आज खुल गए। उसी के तारतम्य में आज बस्तर लोकसभा के चुनाव कार्यालय का आज शुभारंभ हो रहा है और हमारे जो 3 क्लस्टर बने हैं लोकसभाओं के दृष्टि से, 4-4 के 2 क्लब हुए हैं और एक 3 लोकसभा को लेकर 3 क्लस्टर बने हैं। हमारे क्लस्टर के प्रभारी सह प्रभारी संयोजक से संयोजक की दृष्टि से हो, चाहे लोकसभा के दृष्टि से हो और चाहे चुनाव की प्रबंध समिति से लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने कार्यक्रमों के द्वारा और उसके माध्यम से लोकसभा की तैयारी में जुट गई। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशन में जो हमारी एक टीम है, जो हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन पर जब जैसी तैयारी होगी निश्चित रूप से आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत सर्वोत्तम बजट है। बजट को लेकर विपक्ष में है, उनकी प्रतिक्रिया जैसी आनी चाहिए वैसा उन्होंने दिया है, लेकिन आप देख लीजिए पूरे देश को विकास की दृष्टि से विश्व के मानचित्र में सबसे ऊंचे स्थान पर भारत का गौरव, भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए, समाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे आज हमारा देश 4th नंबर की इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और कार्यक्रम और उनके कार्य योजना के माध्यम से ये शने शने तीसरे और जो सोने की चिड़िया जो कही जाती थी हमारे देश को, आज विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ है देश। पूरे देशवासी इस बात का सम्मान कर रहे हैं। अब विपक्ष का जो रोना है वो रोते रहेंगे। वो जगदलपुर के पार्षद योगेंद्र पांडे को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। उनके घर पोस्ट के माध्यम से धमकी भरा पत्र आया है। पत्र मिलने के बाद योगेंद्र पांडे ने पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन भी दिया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पूरे परिवार में डर का माहौल है। पत्र में लिखा है, बार बार समझा रहे हैं, लगता है समझ में नहीं आ रहा, अपना पद और पार्टी छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, सीधे जान से हाथ धो बैठोगे।
पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसे आखिरी चेतावनी समझना। वही योगेंद्र पांडे ने अपने पत्र में लिखा है कि राजवाड़ा सुभाव वार्ड क्रमांक 9 जगदलपुर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला बस्तर के उपाध्यक्ष पद पर पदस्थ होने के साथ ही रमैया वार्ड 17 का निर्वाचित वार्ड का पार्षद हूँ। इससे पहले निगम अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मुझे पहले भी एक बार फोन के द्वारा धमकी दी जा चुकी है और पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को पहले भी दी गई है। 1 फरवरी को दोबारा पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें पार्टी पद को छोड़ने एवं जान से मारने की धमकी लिखी हुई है। मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई समय रहते हुए करना उचित होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे जान का खतरा है। इसके पहले 2003 से लेकर 2018 तक मेरे सुरक्षा का व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई थी। जैसे पत्र मिला तो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया, पार्टी के लोगों को अवगत कराया और पत्र के साथ मैंने आवेदन बना करके SP और IG को भिजवा दिया, उसको सूचना कर दिया। क्या पत्र मिला, क्या है उसमें? वही है, बहुत हो गया और तुम समझ नहीं रहे हो और पार्टी छोड़ दो, पद छोड़ दो और नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। यही तो आप लोगों के पास है, देख लीजिए उसको। यही सब एक बार फोन से आया था, एक और लेटर आया था, तो उसको भी सब मैंने जानकारी दे दी पुलिस प्रशासन। भारतीय जनता पार्टी में मरेंगे, रहते हुए मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। हम डरने वाले लोगों से नहीं है, हम जन सेवा करते हैं, पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, ये सब चीज़ों से अपन डरते नहीं हैं। हाँ, 2003 से लेकर के 2018 तक मेरे पास सुरक्षा थी, वो 2018 में हट गई। उसके बाद से 2-3 बार कांड हो गया ऐसे, तो अभी भी है कि भाई अगर है तो मैं तो मांग किया था कि मेरी सुरक्षा जैसी थी उसे दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार नारायणपुर के अबुझमार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जीवला पदर में पुल निर्माण में लगे 3 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। आदिवासियों के सुविधाजनक आवागमन के लिए जीवला पदर के समीप नाले और पुल का निर्माण किया जा रहा था। कल रात 50 की संख्या में हथियारबंद नक्सली मौके पर पहुंचे और आगजनी के बाद पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूर की मोटरसाइकिल अपने साथ ले गए। मामला आज कुरुसनार थाने में दर्ज किया गया है। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में वार्षिक परीक्षाओं की शुरुआत 5 मार्च से प्रारंभ होकर 24 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस बार परीक्षा में 53,385 छात्र शामिल होंगे। परीक्षा के आयोजन के संबंध में विश्वविद्यालय के अकादमीय भवन में संबंध कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक हुई। विश्वविद्यालय के कुल सचिव अभिषेक कुमार वाजपेयी ने इस दौरान परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेंडर के अनुसार समय सारणी जारी की गई है। स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की अमहाविद्यालय परीक्षार्थी 35,547, भूतपूर्व परीक्षार्थी 260 एवं पूरक परीक्षार्थी 1,870 यानी कुल 53,385 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन के लिए कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 3 पालियों में क्रमशः प्रथम पाली सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, द्वितीय पाली 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और तृतीय पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। बस्तर विश्वविद्यालय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ होने वाली हैं और परीक्षाएं 5 मार्च से प्रारंभ होकर 24 अप्रैल तक 34 परीक्षा केंद्रों में संचालित होंगी। इस संबंध में सभी केंद्राध्यक्ष जो कि प्राचार्य होते हैं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के, महाविद्यालय के सभी प्राचार्यों की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बार शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में 15,708 नियमित एवं 35,547 अमहाविद्यालयीन और 26 भूतपूर्व छात्र सम्मिलित होंगे। इस प्रकार से कुल 53,385 परीक्षार्थियों ने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में वार्षिक परीक्षा के लिए आवेदन किया है और 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं 3 शिफ्टों में प्रातः पाली 7 से 10, दोपहर 11 से 2 और सायं पाली 3 से 6 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए
केंद्राध्यक्षों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं एवं माह फरवरी में सभी परीक्षा केंद्रों में प्रायोगिक परीक्षा जिन जिन विषयों में होती है वो आयोजित की जाएगी। चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल से जनता ने की सौजन्य मुलाकात। विनायक गोयल ने अपने गांव में एक अद्वितीय और आदर्श संवाद का अनुभव किया जब उनके विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता से वे मिले। सुबह की धूप में उनके साथ हुई यह मुलाकात गांव के लिए एक नया दिन लाने वाला एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। यह मुलाकात अद्वितीय इसलिए थी क्योंकि जनता की आदर और सम्मान सराहनीय है। मुलाकात में विधायक उनसे गांव के विकास, स्वच्छ शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर बातचीत की और अपने एवं अपने गांव के विकास की जरूरतों की मांग की। विधायक ने मिलने आए सभी जागरूक नागरिकों की सराहना की। शहर के दंतेश्वरी वार्ड में लाखों के विकास कार्यों का विधायक किरण सिंह देव ने विधिवत भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान महापौर शफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू, श्रीनिवास राव मद्दी उपस्थित थे। बीटी रिनेवल व नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया जिसकी कुल लागत 22 लाख रुपए की है। भूमि पूजन के दौरान विधायक किरण देव ने कहा कि शहर विकास में राशि की कमी नहीं होगी, विकास कार्य लगातार किए जाएंगे। जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। हमारी जनता प्रदेश के जनता के प्रति वचनबद्ध की जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास होगा। इस दौरान MIC सदस्य यशवर्धन राव, सुशीला बघेल, सुषमा कश्यप, अनिता नाग, पार्षद राजपाल कशेर व काफी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। कलेक्टर ने जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में सेवानिवृत्त हुए 16 शासकीय सेवकों को पेंशन प्राधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पुष्पमाला एवं शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कलेक्टर ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को शासकीय नियमों के अनुसार उनके हक एवं पात्रता अनुसार सभी स्वतत्वों का समय पर भुगतान करने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रकरणों पर संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवकों की स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। वही सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को PPO पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर वरिष्ठ कोषालय अधिकारी संजय सोनवानी ने बताया कि इस माह सेवानिवृत्त हो रहे 16 शासकीय सेवकों को पेंशन प्राधिकार पत्र जारी की गई है। इस अवसर पर कार्यालय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन से संयुक्त संचालक कमलेश रायस्त सहित जिला कोषालय के अन्य अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवक मौजूद थे। ग्राम पंचायत नगरनार के दुर्गा चौक में अज्ञात कारण से धान की पैरा में भीषण आग लगने से लगभग 15 एकड़ धान की पैरा राख हो गई। बताया जा रहा है कि यह पैरा किसान गोवर्धन बघेल, रामेश्वर कश्यप, गुप्तू कश्यप की है। पैरा आग की चपेट में आकर राख हो गई है। पैरा में आग लगने से पूरा बस्ती में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। बस्ती वालों के द्वारा आग में काबू पाने का भरसक प्रयास किया गया मगर आग में काबू नहीं पाया जा सका। उसके बाद ग्राम के समीप लगी स्टील प्लांट की अग्निशमन विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। फिलहाल आग कैसे लगी इसका कारण नहीं पता चल पाया है। ग्राम पुष्पाल में वन प्रबंधन समितियों एवं इको विकास समितियों के लिए आयोजित कार्यशाला में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन विधायक किरण सिंह देव की उपस्थिति में किया गया। इस कैलेंडर में कांगेर घाटी की जैव विविधता, नदी, झरने, गुफा व साहसिक गतिविधियों को चित्रित किया गया है जो कि कांगेर घाटी का अनोखा दृश्य प्रदर्शित करता है। साथ ही इसमें स्थानीय संस्कृति व सभ्यता, प्राकृतिक सौंदर्य की झलक दर्शाई गई है। इस कार्यक्रम में बस्तर वन मंडल और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के वन प्रबंधक समिति और इको विकास समिति के सदस्य उपस्थित थे। साथ ही RC दुग्गा, मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर, वृत्त धर्मशील गणवीर, निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तम गुप्ता वन मंडल अधिकारी बस्तर, दिव्या गौतम वन मंडल अधिकारी सामाजिक वानिकी, अभिनव कुमार प्रशिक्षु और समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। 2 फरवरी को सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति अपने पास मादक पदार्थ गांजा रखकर मोटरसाइकिल से तोंगपाल से जगदलपुर की ओर जाने की सूचना मिलने से नेशनल हाईवे 30 दरबा फॉरेस्ट नाका पर हमरा स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी करीम मोहम्मद पिता सलीम बख्श निवासी जिला रीवा मध्य प्रदेश को पकड़े, जिनकी तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से कुल 12.96 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत
129,600 रुपए, एक नग बजाज कंपनी का पल्सर मोटरसाइकिल एवं नकदी रकम 1,700 रुपए बरामद हुआ। उक्त सामान को जब्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा NDPS एक्ट का पाए जाने से एक नफर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध सदर कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश करने रवाना किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।